डिसीजन में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन फ्रेंड्स से। यदि आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 19 फिल कर रहे हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है ईपीएफओ की तरफ से यूनिफाइड पोर्टल पे, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, पैसे निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, किन किन लोगों का पैसा कट सकता है, कितना पैसा कटेगा, सारा कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं, और किस तरीके से आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप भी जानना हो, लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉग इन हो जाएंगे, और उसके बाद से ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और क्लेम फॉर्म यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, यस कर लेना है, और नीचे की साइड आना है, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम कर देना है। जी फ्रेंड्स, प्रोसीड हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आपको डिटेल मैच करा लेना है। डिटेल्स में आपको यहीं पे एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे नोट अवेलेबल देखने को मिल रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर की केवाईसी इन्होंने नहीं किया हुआ, और इस वजह से ही यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है। जैसे ही हम ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है काफी लोगों को। काफी लोग पूछते हैं कि सर ये क्यों देखने को मिल रहा है और क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी अभी देखा है कि भैया इन्होंने पैन कार्ड की केवाईसी किया ही नहीं है। अब देखिए, ये दो केसेस में होता है, या तो आपने केवाईसी किया ही नहीं है, या फिर आपने केवाईसी किया है लेकिन अभी भी पेंडिंग है, अप्रूव्ड नहीं हुई है। इस तरीके से सफलतापूर्वक आपको पैन कार्ड की केवाईसी करनी है। अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख करके सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभी के समय में देखिए, हम जान लेते हैं कि क्या करना है, इसका क्या एग्जैक्ट मतलब है, आपको ये प्रोसेस करना चाहिए यस करके या फिर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके पैन कार्ड की केवाईसी नहीं हुई है, और इसलिए अगर आप पैसा निकालते हो तो आपके अकाउंट में यदि 50,000 या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट है जो निकलने वाला है, तो आपको 34.6% तक का पैसा कट सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 34.6% का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए आप निकालने वाले हो, तो उसमें से 34.6% आप माइनस कर लोगे। अब फ्रेंड्स, लगभग ये आपका 65,400 रुपए ही आपको मिलने वाला है, और इतना पैसा आपका कट जाएगा। अब उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 50,000 है आपका या फिर उससे ज्यादा है, अब परसेंटेज निकाल लेना। अब आगे से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये क्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उससे पहले मैं नो कर देता हूँ और बताता हूँ कि ये 50,000 किस अमाउंट के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, बाद में वो एलिजिबल भी होते हैं तो नहीं करते हैं क्लेम, फिर केवाईसी वगैरह करने में तो टाइम लगता ही है थोड़ा सा, और लेट हो जाता है इनको क्लेम करने में। तो देखिए, इसके लिए अब यहाँ पे हमने इसके बारे में समझ लिया कि ये इंस्ट्रक्शन क्यों देखने को आपको मिलता है। ये एक एरर नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि ईपीएफओ के द्वारा मिलता है और सभी को मिलता है, उन सभी लोगों को जिन लोगों के केसेस में यहाँ पे पैन कार्ड की केवाईसी सफलतापूर्वक नहीं हुई होती है। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे व्यू पे जाएंगे और पासबुक वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, और यहीं पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, और उसके बाद से ये कैलकुलेशन एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ भी देखने को मिल जाता है भैया आपका पैन कार्ड यहाँ पे सीट नहीं है। अब देखिए, आपका टीडीएस अप्लीकेबल होगा तो कट जाएगा भैया, बताया जा रहा है साफ साफ। अब देखिए, यहाँ पे मेंबर आईडी देखने को मिल रहा है, यहीं पे सेलेक्ट कर लेना और इनका पासबुक देख लेंगे। देखिए, ओल्ड वाला हम देखते हैं, यहाँ पे ओल्ड वाले में अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, इनका जो पैसा है वो देखने को मिल रहा है, टोटल इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर मिला करके 23,667 रुपए। अब भैया ये 50,000 से नीचे का है अमाउंट, तो अब इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लेम कर सकते। देखिए, ये वाला ही अमाउंट आपको देखना है, ये वाला अमाउंट नहीं देखना है, ये जो 12,414 रुपए है ना, ये आपको देखना ही नहीं है, ये पेंशन अमाउंट आपको छोड़ देना है, केवल और केवल इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर ही आपको जोड़ना है। आपके अमाउंट में पासबुक में जितना भी पैसा रहेगा यहाँ पे टोटल करके तो देखिए दिख जाता है, क्योंकि यहाँ से आप कुछ पैसे निकालते हो तो वो माइनस हो जाता है, करता है, तो टोटल यहाँ पे माइनस करने के बाद ही पैसा यहाँ पे शो कर रहा है, इतना पैसा बचा हुआ। तो ये पैसा आपका 50,000 थोड़ी ना है, 50,000 से कम है, तो आप प्रोसेस कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शन पे, और यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे यस करना है और प्रोसेस कर देना है। यहाँ पे देखिए, नो करेंगे तो इसके नीचे का ऑप्शन नहीं ओपन होकर के आएगा, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। आपको सारा डिटेल्स फिल करना है और अपना क्लेम कर देना है, उसके बाद से आपका कुछ भी पैसा नहीं कटने वाला है। लेकिन भैया, अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है आपके पीएफ के पासबुक में, और आपकी सर्विस 5 साल नहीं हुई है, देखिये 5 साल के बाद ना नहीं कटता आपका टैक्स, क्यों, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड हो जाता है, एग्जेम्प्शन में आ जाता है, आपका छूट प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर 5 साल से कम है और फिर भी 50,000 से ज्यादा है पैसा, तो
फिर आपको दिक्कत है, आपका पैसा निकालते समय जो भी टैक्स बनता है आपका कट जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप के पूरा वीडियो देखा है। अगर पूरा देखा है ना तो अब तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और ये जो भी इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है तो अब आपको पता चल पाया होगा कि ये इंस्ट्रक्शन आपको क्यों देखने को मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। फिर भी फ्रेंड्स कोई डाउट रह गया जो कि इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करता हूँ, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो लिंक देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।